दोस्तों इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए लगभग 7 दिन हो चुके हैं और ये है गूगल का पिक्सल 8a। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गूगल ने इस स्मार्टफोन को क्यों लॉन्च किया है, बिकॉज इसका प्राइस भी इतना जस्टिफाइड नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियोज रेगुलर पे करते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इसकी अच्छी बातों से। तो यहाँ पे जो डिजाइन है काफी ज्यादा अमेजिंग देखने को मिलता है, स्पेशली जो इसका ग्रीन कलर है ये काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। अगर इन एंड फील की बात करें तो यहाँ पे जो ये राउंडेड कॉर्नर्स जो इस बार गूगल ने यहाँ पे नए डिजाइन में इंप्रूव किए वो मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगा, जिसकी वजह से आपका जो इन एंड फील है वो काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाता है। स्पेशली जो ये कलर है इसके साथ काफी ज्यादा मैच कर रहा है, तो वो चीज जो मुझे डिजाइन लैंग्वेज के हिसाब से काफी ज्यादा अमेजिंग लगी है। बट अगर बात करें यहीं पे फ्रंट में डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले के बेजल्स हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो चिन्ह है वो भी बहुत बड़ा देखने को मिलता है। यहाँ तक की बात करें साइड के बेजल्स भी इतने ज्यादा हैं। अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये स्मार्टफोन कुछ 53,000 रुपए का है, और 53,000 रुपए में इस बॉडी लैंग्वेज में स्मार्टफोन को लॉन्च करना मुझे जस्टिफाइड नहीं लगा, बिकॉज क्योंकि 53,000 रुपए में आपको अदर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और ये जितने भी बेजल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो तो 15,000 के स्मार्टफोन्स में भी आजकल आपको देखने को नहीं मिल रहे। 15,000 के अंदर भी ब्रांड जो है ज्यादातर स्मार्टफोन्स के अंदर आपको बेजल्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, वो चीज मुझे सही नहीं लगी। बट यहाँ पे स्क्रीन की अगर बात करें तो यहाँ पे 6.1 इंच की आपको FHD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 2000 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। और यहाँ पे जो आपको फील देखने को मिलेगा, जो कलर्स हैं वो काफी ज्यादा अमेजिंग तो होने वाले, बट यहाँ पे जो ये बेजल्स हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे खराब लग रहे हैं। बिकॉज अगर आप इस स्मार्टफोन को कहीं बाहर निकालोगे, अपने दोस्तों से कहोगे कि ये 53,000 रुपए का स्मार्टफोन है, तो उनको ये लगेगा कि ये इस बंदे ने स्मार्टफोन क्यों ही खरीद लिया है, तो वो चीज मुझे सही नहीं लगी। यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको टेंसर G3 चिपसेट देखने को मिलती है, जो कि 4 नैनोमीटर पे की यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे आती है। अब देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है कि 4 नैनोमीटर है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अमेजिंग लगेगी। बट यहाँ पे अगर CPU थ्रॉटल की बात करें तो काफी ज्यादा यहाँ पे ग्राफ जो है वो स्ट्रगल किया है। यहाँ पे जो ग्रीन ग्राफ तो कम देखने को मिला है, बट रेड की लाइंस बहुत ज्यादा है, तो परफॉर्मेंस इतना ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। बिकॉज फिर मैं वही बात कहूंगा कि यहाँ पे 53,000 रुपए के स्मार्टफोन से इस टाइप की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी नहीं थी। अगर यहाँ पे गेमिंग वगैरह की बात करें तो हाँ, आप नॉर्मल टाइप की गेमिंग वगैरह खेल पाओगे, यहाँ पे FPS भी काफी सही देता है। और अगर यहाँ पे ऐप एनिमेशंस की बात करें तो फिर वही चीज़ है कि ऐप एनिमेशन से यहाँ पे नॉर्मल ही आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो गूगल का UI है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्लीन UI एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे इस बार गूगल ने अपने IO के अंदर नए AI फीचर्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि कटआउट सर्च हो गया या पे वॉइस इनहेंसर हो गया, वो सारी चीज़ें तो आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। बिकॉज और इसके अंदर आपको 7 साल के मेजर अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगी है। बट फिर वही चीज़ है कि यहाँ पे 7 साल के मेजर अपडेट्स हैं, हम एक चीज़ तरफ से मान लेते हैं कि ये स्मार्टफोन 7 साल चलने वाला है, बट यहाँ पे आपको जो स्टोरेज देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको 3.1 स्टोरेज देखने को मिलती है UFS की, और LPDDR5X है, तो इतनी कम स्टोरेज की स्पीड के साथ ये 7 साल कैसे सर्वाइव करेगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे गूगल जो है 7 साल तक आपको अपडेट देने वाला है, बट एक्चुअल में 7 साल में जितने AI फीचर्स बढ़ेंगे, जितनी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उसके हिसाब से ये स्टोरेज जो है ये परफॉर्मेंस को कैसे हैंडल करेगा, वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। और अगर बात करें यहाँ पे कैमरास के बारे में, तो यहाँ पे आपको 64+13 megapixel का अल्ट्रा वाइड लेंस आपको देखने को मिल जाता है, और अगर बात करें सेल्फी के बारे में तो 13 megapixel की देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, जैसे गूगल के फोन्स के स्किन टोन होते हैं, यहाँ पे HDR आपको देखने को मिल जाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पे जो आपको स्काई है या स्किन टोन वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे कैमरे में कोई इशू नहीं है। बट अब वही चीज़ यहाँ पे बात आ जाती है कि यहाँ पे जो आपको चार्जिंग स्पीड देखने को मिलती है 18 वाट की देखने को मिलती है, तो वही चीज़ है 53,000 रुपये में 18 वाट। और बैटरी तो भाई मतलब क्या ही नंबर इन लोगों ने सेट किया है, 4,492 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, तो मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया कि कुछ 10 mAh बचा के इन लोगों ने क्या कर लिया। मतलब 4,500 mAh की बैटरी भी दे देते तो भी चलो मान लेते, बट 4,500 mAh की बैटरी है, वहाँ पे 18 वाट की आपको यहाँ पे वायर्ड चार्जिंग है, वैसे इसमें आपको 7.5 वाट की आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलती है, तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। IPX7 की आपको यहाँ पे रेटिंग देखने को मिल जाती है, तो थोड़ा सा वाटर रेजिस्टेंस भी है, वो सारी चीज़ें ठीक है। बट यहाँ पे जो यहाँ पे चार्जिंग स्पीड है वो मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी। अब बात करते हैं यहाँ पे UI एक्सपीरियंस के बारे में, तो जिसके लिए गूगल पिक्सल्स बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, वहाँ पे आपको
ऐप एनिमेशंस बहुत स्मूदी देखने को मिलते हैं, कोई भी लैक नहीं होता है, यहाँ पे इंटरफेस भी काफी ज्यादा स्मूदी होता है, क्लीन यूआई एक्सपीरियंस होते हैं, एड्स बिल्कुल नहीं देखने को मिलते हैं, और इस बार जितने भी आईओ के अंदर एआई फीचर्स जो इंट्रोड्यूस किए गए वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या एआई फीचर्स के लिए 53,000 रुपए देना इस स्मार्टफोन के लिए मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। वैसे इस स्मार्टफोन के बारे में यही कुछ कहानी थी जो मुझे लगी कि आपको बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज 53,000 रुपए में ये स्मार्टफोन मेरे हिसाब से अभी आपके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसी 53,000 रुपए में आपको वन प्लस के स्मार्टफोन्स यहाँ पे और सैमसंग के स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको ला के देंगे, चाहे वो कैमरा में हो, साथ में आपको सैमसंग के अंदर तो अब तो आपको एआई फीचर्स भी देखने को मिल गए हैं जो कि गूगल के साथ टाइप करके बहुत सारी अमेजिंग चीजें करते हैं, तो वो चीजें भी आप उसमें कर पाओगे। प्रेजेंट टाइम में ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है, इसके प्राइसिंग बहुत ज्यादा हायर सेट की गई है। आप लोग क्या सोचते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएगा, और कैसी लगी वीडियो का लाइक जरूर करिएगा, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।